बार चमार के मंत्री जी द्वारा कर तो अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा अपने आदरणीय मंत्री जी को जो कि जुझारू नेता है, बहुत ही युवा नेता है। एक बार जोर से ताली हो जाए। अरे देखो देखो कौन आया। मैं माननीय मंत्री श्री महोदय कमलेश कुमार, मेरी यहाँ की पब्लिक से जनता कोई ऐसी गुजारिश नहीं कि मैं यहाँ पे आपका वोट खाकर भाग जाऊंगा। मेरे महोदय छोटे मंत्री साहब मुझे यहाँ लाए मेरी फेस वैल्यू देख के। क्या देख के? फेस वैल्यू देख के। सूरत मोहल्ले लगी। मैं आपका लगेगी मोहल्ले लगेगी। सबसे पहले मैं यहाँ की नालियाँ साफ करवा दूंगा। नालियाँ साफ हैं? साफ नालियाँ। बहुत अच्छी बात है कि पूर्व प्रधान ने यहाँ पे नालियाँ साफ करवाई। नालियाँ साफ करवाने का कोई एक काम नहीं होता, बाकी बहुत काम होते हैं। गलियों में जाके देखिए, बच्चे गरीब नंगे भूखे फिर रहे हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी कोई जिम्मेदारी नहीं? मैं कहता हूँ पिज्जा भी खा रहे हैं ना वो, उनके शरीर पे लत्ता कपड़ा नहीं है। डेनिम मुफ्ती की दिलवाई है। वो डेनिम भी पहन रहे महोदय साहब, हंसने की बात नहीं है। क्या उस डेनिम में? सही बात है, सही बात पहना रहे हो यार। लिवाइस ही पहना है। मैं कहता हूँ अगर लिवाइस भी पहना रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर पिज्जा। अरे देखो देखो कौन आया। महोदय मंत्री जी ने मुझे बताया यहाँ का हर बच्चा बच्चा डेनिम पहनता है, पिज्जा खाता है। मैं कहता हूँ सब मालदार है। क्या यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा है? मैं वो लेकर आऊंगा। वाईफाई लगा हुआ है। माल लगेगी। वाईफाई लगना आदरणीय साहब कुछ नहीं होता। क्या उसमें आपको स्पीड मिल रही है? मुझे बताइए। 10 Mbps की। 4G क्या 4G लास्ट स्पीड है? चाइना 5G इन्वेस्ट कर चुका है। आप क्यों 5G नहीं चला रहे? पूर्व प्रधान ने आपको 5G दी। अरे मंत्री साहब तुम्हें पता नहीं है हमारे यहाँ 7G चल रही है। नहीं आया तो लेकर आने का काम किसका होगा? हमारा होगा। हमें वोट करो, सपोर्ट करो। अरे देखो देखो कौन आया। मेरे लास्ट शब्द यही होंगे। मुझे एक गुजारिश आई एक गरीब व्यक्ति की। क्या उसने ये नहीं फरमाया अभी आपके सामने क्या उसे राशन नहीं मिल रहा? कुपोषण का शिकार है वो। मैं कहता हूँ ऐसे कितने बच्चे इस गलियों में होंगे जो कुपोषण से मर रहे होंगे। उसके घर पे 4 ट्रक गेहूं के पड़े हैं। 4 ट्रक गेहूं के, रोटी बनेगी, सब्जी कहाँ से आएगी? मुझे बताइए गांधी साहब। खेतों से आ गई। मैं यहाँ वोट लेने आया हूँ, भीख में दे दो। मैं यहाँ पे चमका दूंगा इस मैदान को। मादर जी है, मैं चमका दूंगा इस मैदान। देखो देखो कौन आया। मैं इस देश को चमकाने आया हूँ। मेरा काम सिर्फ यहाँ पे ये है कि मैं चमका के जाऊं। अपने आप को चमकाओगे या देश को चमकाओगे? मैं अपने आप को यहाँ चमकाने नहीं आया। कलुआ के लौंडे निकल बाहर यहाँ से। मैं ऐसे कलुआ के लौंडों की आदरणीय साहब हंसने की बात नहीं है। मैं ऐसे कलुआ के लौंडों की यहाँ से समाप्ति करूंगा और अपने ही गांव में जिस क्षेत्र से मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। अरे देखो देखो कौन आया। तो महोदय बहुत ही इमोशनल हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ 15 तारीख को लगा दो। अरे माहौल लगेगी हाथी पे। अरे माहौल लगेगी हाथी के लंड पे।